तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक फॉर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि पेटीएम से आप रिडीम कोड कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड, जिन लोगों को नहीं पता कि रिडीम कोड क्या होता है, उनको मैं बताना चाहूँगा। जब भी आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन परचेज करते हैं, तो वहाँ पर UPI, पेटीएम और बहुत सारे पेमेंट मेथड आते हैं, जिसमें एक रिडीम कोड का ऑप्शन भी आता है। रिडीम कोड के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं वहाँ पर। तो अगर किसी एप्लीकेशन में भी आपको कुछ परचेस करना है, जैसे फ्री फायर या पबजी, बैटल ग्राउंड, किसी भी एप्लीकेशन में कुछ भी खरीदना है, तो वहाँ पे आप रिडीम कोड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि प्ले स्टोर में चलते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का ये ऑप्शन है। इस पर जाने के बाद ये देख लीजिए पेमेंट, यहाँ पे ये देख लीजिए, इस पर जाने के बाद पेमेंट मेथड जो है इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देख लीजिए, बहुत सारे पेमेंट मेथड आ गए हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, रिडीम कोड का एक ऑप्शन आ रहा है। तो ये बताने वाला हूँ कि रिडीम कोड आप पेटीएम से कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली चलते हैं पेटीएम में और आपको रिडीम कोड बना के बताते हैं। तो यहाँ पे मैं पेटीएम को ओपन कर लिया हूँ। तो पेटीएम ओपन करने के बाद यहाँ पे ये देख लीजिए, रिचार्ज एंड पे बिल का ये ऑप्शन आ रहा है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, आपको सिंपली गूगल लिख देना है। तो ये देख लीजिए, गूगल आ गया है, गूगल प्ले रिचार्ज। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए फ्रेंड, इस तरह से ऑप्शन आ गया है। अब आप जितने रुपए का रिडीम कोड बनाना चाहते हैं यहाँ पे आपको डाल देना है। फिलहाल मैं 10 रुपये का आपको बना के बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो ये डाल दिया मैंने और यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए, इस तरह से ऑप्शन आ गया है। दोबारा से आपको ये देख लीजिए, कंफर्म करने के लिए बोल रहा है आपको, प्रोसीड टू पे 10 रुपीज़। इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे देख लीजिए, वेट करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ से ये देख लीजिए, पेटीएम वॉलेट है, उससे भी पेमेंट कर सकते हैं या UPI के थ्रू आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पेटीएम वॉलेट में पैसा है, तो मैं इसी से आपको रिडीम कोड बना के बताऊंगा। तो सिंपली ये देख लीजिए, पे पे क्लिक करते हैं। आप चाहे तो UPI सेलेक्ट करके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं पे 10 रुपीज़ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देख लीजिए, थोड़ा सा वेट करना है। ये देख लीजिए, ये रिडीम कोड बन चुका है और अभी SMS आएगा। जो नंबर आपके पास रजिस्टर है उस पर SMS आएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे SMS आ चुका है और यहाँ पे ये जो है आपका ये है रिडीम कोड। तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यही सही लगता है, यहाँ से आप सिंपली आप कॉपी कर सकते हैं इसको एडिट करके। तो इसको कॉपी कर लेना है आपको और जहाँ भी पेमेंट करना है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आप रिडीम कोड बना सकते हैं पेटीएम से। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो आज के लिए बस इतना ही।